हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। चारू असोपा, राजीव सेन का हुआ तलाक, सुष्मिता सेन के भाई ने तस्वीर शेयर कर लिखा, प्यार बना रहेगा। जी हां, मैं आपको बताना चाहती हूं, राजीव सेन और चारू असोपा की शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी अनबन चल रही थी। दोनों में काफ़ी साल से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी ट्रैक पर नहीं थी, लेकिन अब फाइनली ये दोनों अलग हो गए हैं और लंबे मनमुटाव के बाद दोनों अब ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आज इन दोनों के तलाक की फाइनल तारीख थी और आज फाइनली कोर्ट में 8 जून यानी कि आज उनके डिवोर्स को लेकर फाइनल सुनवाई हुई है और इसी के साथ इनके तलाक को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राजीव सेन ने कहा, हम तलाकशुदा हैं। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने तलाक के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर चारू के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है, साथ ही एक नोट भी लिखा है और उस नोट को लिखते हुए राजीव काफ़ी भावुक हुए। आखिरकार अलग हो गए हैं, राजीव ने अपने नोट में लिखा है, कोई अलविदा नहीं है, बस दो लोग जो बस एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाए। प्यार बना रहेगा, हम हमेशा अपनी बेटी के लिए माँ और पिता बने रहेंगे। ये इमोशनल पोस्ट राजीव ने चारू को लेकर लिखा है। बता दें कि शादी के 4 साल पूरे होने से महज 1 हफ्ता पहले दोनों ने तलाक ले लिया है। राजीव और चारू की शादी साल 2019 में 16 जून को गोवा में हुई थी। दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी और दोनों के बीच उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था, पर बदलते वक्त के साथ दोनों का प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और दोनों का डिवोर्स हो गया है। बेटी की कस्टडी चारू असोपा के पास है, राजीव बेटी से मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।